नमस्कार, नमस्कार तन्वी तिवारी व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ तन्वी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मूंगफली वाले आलू, या यूँ कहें कि व्रत वाले आलू। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो मैंने इसके ले लिया है पहले 2 से 3 आलू उबले हुए, और ये 1 चम्मच अजवाइन। अगर आप जीरा खाते हैं तो आप जीरा यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ले लिया है इसमें 3 से 4 बारीक हरी हुई कटी मिर्च, और ये कुछ मूंगफली। तो 3 से 4 चम्मच मूंगफली भी होगी इसमें। तो सबसे पहले आलूओं को काट लेते हैं। आलूओं को आप अपने पसंद अनुसार काट सकते हैं। तो 3 आलू लिए हैं मैंने इसमें। आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से आलूओं की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आलू काट लिया है मैंने। अब गैस पे रखते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। अगर आप रिफाइंड खाते हैं तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाला है, और घी को गर्म होने देते हैं। ये देखिए 1/2 चम्मच मैंने और इसमें घी डाल दिया है। तो अगर आप इसे रिफाइंड में बना रहे हैं, इसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप व्रत में रिफाइंड खाते हैं तो आप इसे रिफाइंड में बनाइए। मैं व्रत में देसी घी खाती हूँ, इसलिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये डाल दिया मैंने इसमें अजवाइन, और अजवाइन को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो अभी इसमें डालेंगे हम मूंगफली अपनी। तो मूंगफली आप अलग से भी भून के ले सकते हैं। मैंने इसी में भून ली है, और इसीलिए मैंने 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। अगर आप अलग से मूंगफली भून के डाल रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ही देसी घी डालें। तो 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे मूंगफली के दानों को। तो 5 मिनट के करीब हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए इसे 1 मिनट के लिए ऐसे मिला देते हैं चलाते हुए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलूओं को। तो आलू मैंने इसमें मीडियम साइज़ के काट रखे हुए हैं। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, और भी बड़ा काट सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला देते हैं, और 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। तो ये मैंने आलू को ढक दिया है। आलू को ढकना पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे हमारे घी और अजवाइन जितना भी उसका स्वाद है वो आलूओं के अंदर तक आ जाए, वरना फिर बिना नमक के आलू खाने में अच्छा नहीं लगता है। और मैंने इसमें नमक यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद आलू कुछ इस तरह के हैं, और आलू आप ये गरम गरम खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। तो बिना नमक के आलू हैं, इसलिए इन्हें आप गरम ही खाएं तो अच्छा रहेगा। तो इसे निकाल लेते हैं, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे आलू बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।